10:30 बजे के बाद मीरा रोड के नया नगर परिसर में जो राम भक्त हैं वो जय श्री राम का नारा देते हुए घूम रहे थे, और अचानक कुछ समाजकंटकों ने गाड़ियों के ऊपर हमला किया, गाड़ियों की तोड़फोड़ की, हमारे जो भगवे ध्वज है उसकी तोड़फोड़ की, हमारे जो राम भक्त है उनको मारा गया, और उसमें महिलाएं भी थी। उसके बाद में वो लोग वहाँ पे नहीं रुके तो कुछ गलत गलत अपशब्द भी वहाँ पे वापर रहे थे, तो ये गलत है। पूरे देश में पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के माध्यम से आज हिंदुओं की ललकार हो रही है, जय जयकार हो रहा है, और उसमें मुसलमान हमारे साथी भी शामिल है। ऐसा होते हुए अगर कुछ राम भक्त नया नगर परिसर में भगवा ध्वज अगर लेके राम नाम का जयघोष करते रहेंगे तो मीरा भाईंदर शहर में ये पहली बार हो रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं था। क्योंकि देश में विभिन्न भागों में जब दंगल जैसे घटनाएं घटी थी तभी मीरा भाईंदर शांत था, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर को हम एक मिनी इंडिया के रूप में जानते हैं, और इस शहर में ऐसी घटना घटना बहुत ही गलत है। मैंने आज पुलिस आयुक्त श्री मधुकर पांडे जी से हमारे पदाधिकारियों को लेके मुलाकात की, उनको कहा कि ये घटना बहुत गंभीर है और गंभीरता से लेने चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी आग कभी बन जाएगी, बोल नहीं सकते। और मैं तो लोक प्रतिनिधि के तौर पे इस क्षेत्र का 15 साल से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैंने हमेशा हमारे पार्टी की ओर से ऐसा ही देखा कि शहर में शांतता हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग साथ में रहने चाहिए, और लोग रह रहे। मगर कुछ पॉलिटिकल लोगों ने इस जो घटना है घटना को अपने हाथ में लेते हुए ये 200-300 लड़कों को बहकाया, उनको समाज कंटक के रूप में उनके हाथों से राम भक्तों के ऊपर अन्याय और अत्याचार और मारहाण कैसे हो की जाए इसकी कोशिश उन्होंने की। पुलिस ने सिर्फ 10 से 20 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया, मगर जो वीडियो हमें मिला है, जो वीडियो में दिखता है, उसमें करीबन 200 से 300 युवक शामिल थे, समाजकंटक शामिल थे। पुलिस कमिश्नर को आज जो हमने निवेदन दिया उसमें एक ही बात कही है कि ये चिंगारी पूरे देश भर में फैल सकती है, इसलिए आप कॉम्बिंग ऑपरेशन आज से स्टार्ट करो। जो जो ये घटना के जिम्मेदार है उन सभी लोगों को 48 घंटे में आप अरेस्ट करो। अगर ये नहीं हो पाएगा तो हम राम भक्तों के माध्यम से शांतता प्रिय आंदोलन करेंगे, और 25 जनवरी को ये मीरा भाईंदर बंद करने की मांग हम हमारे पार्टी के प्रमुख से करेंगे, और 25 तारीख तक ये अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो निश्चित रूप से हमें शांतता प्रिय मार्ग से ये आंदोलन करना पड़ेगा। जी, मामला ऐसा है, मैं पहले अपने नाम से शुरू करता हूँ। मेरा नाम आतिफ शेख है, मैं मीरा रोड नया नगर का रहवासी हूँ। 25 से 30 साल हो गए हमको इसी जगह पर रहते हुए। पिछले 3 दशक से यहाँ पर कभी ऐसे हालात नहीं आए जो अभी देखने को मिल रहे हैं। अब ये प्रशासन की गलती है या फिर किसी ने चाहकर इस चीज़ को आगे बढ़ाया हम नहीं जानते, लेकिन ऐसी घटना हमारे यहाँ पर पिछले साल से होते आ रही है। जब भी यहाँ पर कोई त्यौहार होता है तो वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं, और हमको इस चीज़ का अंदेशा था। आज देश में इतना बड़ा प्रोग्राम है और सारे लोग अपने काम में बिज़ी रह गए, हमको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि कुछ ऐसी गलती होगी, कुछ ऐसे बदमाश होंगे जो आकर माहौल ख़राब करेंगे। तो हमने इस चीज़ के लिए सबसे पहले मीरा रोड प्रशासन को अपना लेटर दिया था, और लेटर में बताया था कि हमको यहाँ पे कुछ घटना होने के चांसेस दिख रहे हैं तो आप हमारी मदद करें, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया या फिर क्या सोचकर आगे कार्रवाई नहीं किया पता नहीं, लेकिन हुआ वही जिस चीज़ का डर था। हुआ ऐसे कि कुछ बदमाश आए नया नगर की तरफ, बढ़े, नारे लगाए, बम फोड़े। अब वो अच्छे थे बुरे थे वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इससे हो गया हमारे देश का माहौल ख़राब। हमारा ये प्यारा शहर जो इतने सालों से ये सारी चपेट से दूर था, जिसमें आज तक के कोई किसी को गलत अल्फाज से भी नहीं बुलाता था, दोनों एक दूसरे के मज़हब के त्यौहार में एक साथ रहा करते थे, लेकिन वो माहौल कुछ महीनों के अंदर जब से यहाँ पर राजनीति में थोड़ी सी उलटफेर हुई है, जब से ये सब बदल चुका है, अभी राजनीतिक दबाव है या राजनीतिक अटखंडे हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन इससे आम आवाम बहुत परेशान है। कुछ हमारे जैसे लोग भी परेशान हैं, कुछ वो लोग भी हैं जो अमन से जीना चाहते हैं वो भी परेशान हैं।